अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है इफ्तार स्पेशल। इफ्तार स्पेशल में आज हम दो रेसिपीज़ बनाएंगे। नंबर वन, स्टिक बैंगन पकौड़ा। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल इजी रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार भी हो जाती है। यह मैंने दो लंबे साइज़ के बैंगन लिए हैं और इनको काट के और पील ऑफ कर लिया इनका स्किन। और स्किन को पील ऑफ करने के बाद मैं इनके लंबे लंबे खतलियाँ काट लूँगी। यहाँ पर मैंने नमक का पानी बनाया है और इसमें मैं कट किए हुए बैंगन्स को डिप करूँगी। उसका रीज़न ये है, एक तो इसका आयरन जो है वो लॉक हो जाता है और दूसरा बैंगन थोड़े से कड़वे होते हैं, सो इनकी कड़वाहट भी जो है वो कम हो जाती है। सारे बैंगन कट करने के बाद मैंने पानी में डिप कर लिया है। कुछ देर हम इसी तरह से इसको रखेंगे और फिर हम बैटर तैयार करके इसमें हम सारे बैंगन के पीसेस डाल के और फिर इसको बारी बारी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, फ्राई करने में ख़ास बात का ख्याल जो हमें रखना है, पहले हम मीडियम लो फ्लेम रखेंगे और फिर थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता हम फ्लेम को बढ़ा देंगे। कोई भी फ्राइड आइटम को फ्राई करने के लिए हम यही तरीक़ेकार यूज़ करेंगे कि फ्लेम को फुल रखेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि कोई चीज़ जले ना। अच्छा, फ्लेम को फुल रखने का रीज़न ये है कि जो हमारा फ्राइड आइटम है वो कम से कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगा इस तरह से फ्राइड होकर, और फिर उसके बाद निकालते वक्त भी फ्लेम को हाई ही रखिएगा। और अगर जल रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपको कम करनी पड़ेगी, लेकिन कोशिश करें कि स्टार्ट में थोड़ा स्लो और बाद में थोड़ा सा हाई फ्लेम रखें। और जब सारे तैयार हो जाए फिर आप इनको निकाल लें। यहाँ मैंने मैंगो की चटनी के साथ जो है इन स्टिक बैंगन पकौड़ा को सर्व किया है। बहुत लजीज होते हैं खाने में और दिखने में बिल्कुल फ्रेंच फ्राइज जैसे हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आएंगे। की दूसरी रेसिपी है चिकन स्टिक पकौड़ा। ये भी दिखने में थोड़े डिफरेंट है, लेकिन है पकौड़े जैसे और स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट। इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। बोनलेस चिकन ले लें अराउंड एक पाव और फिर इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। दिए गए सारे मसालों को मिक्स करके आप आधे घंटे के लिए इनको मैरिनेशन के लिए रखते हैं। यहाँ मैंने स्कीबर्स लिए यानी चाइना स्टिक्स लिए, इनको पानी में डिप कर लिया है। आगे ऊपर नीचे दोनों तरफ से पानी में डिप करेंगे ताकि फ्राइंग के दौरान ये जले ना। बैटर तैयार कर लीजिए, क्योंकि पकौड़ा बना रहे वही बैटर बनाएंगे जो पीछे हमने बैंगन पकौड़ा के लिए बनाया था। अब इस बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसको हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से बैटर को और चिकन को मिक्स करने के बाद इन तमाम चिकन पीसेस को स्कीवर्स पे लगा देंगे। फिर उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है। तरीक़ेकार वही, स्टार्ट में थोड़ा स्लो और फिर बाद में फ्लेम थोड़ा हाई, निकालते वक्त भी थोड़ा सा फ्लेम हाई रखिएगा। आप देख लिए कहीं से बिल्कुल ये जले नहीं है, बिल्कुल ज़बरदस्त कस्म की इनकी फ्राइंग हुई है। अब इसको आप केचप या मैंगो चटनी या जिसके साथ चाहें इसको आप सर्व कर सकते हैं। अगेन बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस, बड़ों और बच्चों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा।
और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।